नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग एक बहुप्रतीक्षित मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज के बारे में जानने वाले हैं। ये वैकेंसी PGT के बारे में थी, काफ़ी समय से अटकले आ रही थी कि बस जल्दी वैकेंसी आने वाली है, जल्दी नोटिफिकेशन आएगा। और इस नोटिफिकेशन को जस्ट बिफोर फ्यू आवर्स अपलोड कर दिया गया है। आइए हम लोग इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे और पोस्ट के बारे में जानेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वैकेंसी आई है। और अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस एडवर्टीजमेंट के बारे में। ये देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा, ये जो वैकेंसी है आपको jssc.nic.in के पोर्टल पर क्लियर मिलेगा। यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट भी दिखेगा, साथ ही ब्रोशर भी दिख जाएगा, मतलब विज्ञापन और उससे संबंधित जो भी आपको विस्तृत जानकारियां हैं आपको इस वैकेंसी में क्लियर दिखेंगी। तो हम लोग इस वैकेंसी को ओपन कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये इसका ब्रोशर है। और ये देख लीजिएगा, ये विज्ञापन आपको खुल रहा है। अभी ब्रोशर में आपको 63rd पेज का जो आपको डिस्क्राइब में आपको जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है। और जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो जस्ट ओपन होगा, हम लोग उसको भी देख लेंगे कि जो एडवर्टीजमेंट है वो किस चीज़ का है, क्लियर करके क्या लिखा है। ब्रोशर देखिएगा, दो टाइप का, अब जब वैकेंसी ओपन करेंगे दो टाइप का वैकेंसी आया हुआ है, एक तो रेगुलर है, दूसरा बैकलॉग है। अभी हम लोग रेगुलर वाले वैकेंसी को खोल करके रखे हैं। ये है, अभी विज्ञापन खुल गया है। देखिए, जो रेगुलर वैकेंसी आई है, अब आज का डेट है 3 अगस्त, थोड़ी देर पहले ही ये अपलोड किया गया है। इसमें राज्य के जो +2 हाई स्कूल्स हैं उनमें TGT ट्रेंड ग्रेजुएट सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हैं, ये आपको पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर हो जाएंगे एक्चुअली। तो PGT के संबंधित जो वैकेंसी आई है, और ये वैकेंसी हो जाएगी 2022 की। इसके लिए आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपको 25 अगस्त से लेकर के 23 सितंबर तक ये अप्लाई करने की प्रक्रिया चलेगी, जिसके बारे में इस विज्ञापन में लिख भी दिया गया है कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन होगा आप 25 अगस्त से लेकर के 23 सितंबर की मध्य रात्रि तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बहुत सारे डिटेल्स भी आपको इस डेट में दे करके रखे हैं। आप अगर इस पन्ने को पूरा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर लिखा हुआ रहेगा कि फॉर्म फिलअप होने के बाद में 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक में जो ऑनलाइन आवेदन किया जो आप लोग करेंगे उसमें जो कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़ करके जो अन्य प्रविष्टियां होंगी, अन्य जो भी आप लोगों ने कंटेंट अपलोड किए होंगे, इंफॉर्मेशन अपलोड किए होंगे, उनको संशोधित मीन्स उसको रेक्टिफाई करने के लिए फिर से लिंक को ओपन किया जाएगा। लेकिन उसमें आप अपना नाम, बर्थ डेट, ईमेल आईडी, ये सब साथ ही साथ मोबाइल नंबर, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आइए हम लोग ब्रोशर में देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। थोड़ा बहुत वीडियो लंबा हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों को जानकारी दूंगी। अभी हम लोग फिलहाल जानेंगे कि ये जो विज्ञापन संख्या 14th है 2022 का, इसके पहले इस बार बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिएगा कि ये है आपका स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022, रेगुलर वैकेंसी है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे सबसे पहले तो आप जान लीजिएगा जो एग्जामिनेशन फी है वो मात्र 100 रुपीज़ है। पहले भी आपको JPSC या फिर अदर एग्जामिनेशन में जब फी सरकार के द्वारा जो JPSC है या फिर JSSC के द्वारा फी काफ़ी रखा गया था, तो कैंडिडेट्स के विरोध के द्वारा के बाद में सरकार के द्वारा या फिर इन संस्थानों के द्वारा जो फी है उसको रिड्यूस करके 100 रुपया कर दिया गया था। अभी भी वो शुल्क में कमी है, जिसको कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन का नंबर भी डाल दिया गया है। तो फिलहाल ये जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है, बाकियों के लिए और कुछ कम है फी, उसके बारे में आप देख लेंगे आगे चल के। ये जो वैकेंसी आई है, बेसिकली याद रख लीजिएगा टोटल वैकेंसीज है
है ना, आरक्षित वर्ग के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के विभिन्न पदों की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 15/2022 प्रकाशित किया गया, जिसमें कुल रिक्ति 265 है और 14/2022 एवं 15/2022 दोनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ ही आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑनलाइन आवेदन भरने में उपलब्ध होगा। ये जो आपको डिटेल्स ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आप देखेंगे तो आगे चल के आपको यहाँ पर पेज नंबर 3 में मेंशन है। सबसे पहले जो वैकेंसी आई है वो आपको जो वैकेंसी के नंबर जो सीरियल नंबर 1 में आप देखेंगे तो ये आपको बायोलॉजी के जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक होंगे तो बायोलॉजी के सब्जेक्ट वाले होंगे। टोटल 94 वैकेंसी आई हैं, 94 अनरिजर्व है। उसके अलावा जो अदर कैटेगरी को अगर हम मिलाते हुए चलेंगे तो टोटल 218 वैकेंसीज आई है। केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट से रिलेटेड है 227 है, ज्योग्राफी का 164 है, हिंदी सब्जेक्ट से 163 है, इकोनॉमिक्स 167, हिस्ट्री 182, संस्कृत 169, फिजिक्स 251 है, मैथमेटिक्स 185, कॉमर्स 200, इंग्लिश 211। इसके अलावा कार्यरत जो वर्किंग टीचर्स हैं उनसे रिलेटेड जो वैकेंसीज हैं इसमें जीव विज्ञान 73, रसायन शास्त्र 75, ज्योग्राफी 54, हिंदी 54, इकोनॉमिक्स 55, हिस्ट्री 61, संस्कृत 58, फिजिक्स 85, मैथमेटिक्स 63, कॉमर्स 67 और इंग्लिश 73। यानी कि आप देखेंगे तो वैकेंसीज में 2 टाइप की वैकेंसीज आपको देखने की मिल रही हो। पहले तो रेगुलर वाले में ही आपको 2 कैटेगरीज में, जिसमें कि आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है, सीधी भर्ती है, और दूसरा जो है आपको वर्किंग टीचर्स के लिए जो रिजर्व रहेगा। ठीक है, ये जो आप वैकेंसी देख रहे हैं ये भी आपको पूरी वैकेंसी ओवरऑल 2 टाइप कैटेगरी में बांटा गया। एक तो ये रेगुलर हो गया, दूसरा बैकलॉग हो गया। यहाँ जो आप नंबर ऑफ सीट्स देख रहे थे 265 है, ये आपको बैकलॉग्स के लिए है, और जो आपको रेगुलर जो रहेगा वो यहाँ पर आपको टोटल आप नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट वाइज जो आप वैकेंसी वो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, रेगुलर्स के लिए अलग, मतलब आपको जो डायरेक्ट भर्ती के लिए अलग कर दिया गया है, और जो बैकलॉग है उनके लिए अलग है। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आप अपना वैकेंसी ऑफ नंबर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसको आप देख सकते हैं डिटेल्स में। मैं फिर से बता रही हूँ, इसका जो आप लिंक है आराम से jssc.nic.in पर जाएंगे तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट ऑफ PGT TCE 2022 रेगुलर वैकेंसी, इसका ब्रोशर आया है, फिर आप देखेंगे बैकलॉग का आया है, बैकलॉग का, उसके बाद एडवर्टीजमेंट है, उसके बाद ब्रोशर बैकलॉग का है। तो सीट्स दोनों का अलग अलग है, और उसमें भी अगर आप बात करेंगे तो रेगुलर और जो डायरेक्ट बहाली है और जो वर्किंग प्रोफेशनल वर्किंग टीचर्स के लिए उनकी अलग बहाली है। तो ये आपको नंबर ऑफ सीट अपने अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखना होगा कि आपके क्राइटेरिया में कौन सा नंबर ऑफ सीट्स फॉल कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है और उसमें नंबर ऑफ सीट्स क्या है। तो ये एक बेसिक जानकारी थी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इसका वो जो क्राइटेरिया है जिसमें मिनिमम जो शैक्षणिक योग्यता बोलते हैं, जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है आपका, वो क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जितने भी आप देख रहे हैं सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इनमें जो आपका मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद पूर्व, जो कि पूर्व में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट स्कूलें एवं कॉलेज में शिक्षा अध्यापक एवं शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण अंडर ब्रैकेट विनिमय 2014 में यथा संशोधित 2021। इसके प्रावधान के अनुरूप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होगा कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में प्लस टू स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के लिए विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक अर्थात बीएड, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना है साथ ही साथ बीएड होना है, ठीक है। यही आपको मूल जो आप समझ सकते हैं क्राइटेरिया है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना ही चाहिए साथ साथ में आपको बीएड होना है, ठीक है। दो चीजें हैं, तो कौन से सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसी सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए। ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, जैसे आप अगर बारी बारी से आप जाते हैं उन क्राइटेरियाज के बारे में आप देखेंगे, है ना। आपको बारी बारी से चीजों को पढ़ते चले जाना है, आप सारे क्राइटेरियाज को आप डिटेल्स में आप देख पाएंगे। पहला क्राइटेरिया तो मैं आपको बता दी, दूसरा क्राइटेरिया फिर और करके फिर से दे दिया है कि आपको क्या कौन से आपको क्वालिफिकेशन होने चाहिए और साथ में बीएड। तो यानी कि आपको इतना जान लीजिएगा, अगर मैं ओवरऑल मैं बोलूं तो पीजी मस्ट है, बीए एडुकेशन, बीएससी एडुकेशन या बीएड, है ना, या फिर कहीं कहीं देखिएगा बीएड और एमएड, है ना, और करके दिया हुआ है। तो आपको जो अगर कोर थीम में बता दूं तो आपको आपका पीजी और साथ ही साथ उस सब्जेक्ट में आपका बीए एड मतलब बैचलर आपका बीए एडुकेशन होना चाहिए या फिर बीएससी एडुकेशन चलेगा या फिर बीएड, ये तीन सब्जेक्ट्स में कोई भी होंगे। खासकर साइंस वाले सब्जेक्ट अगर रहते हैं तो आपको बीएससी एडुकेशन होगा, आर्ट्स वाले में आपको बीए एडुकेशन हो सकता है, ऐसे जनरली आपको बीएड होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अनिवार्यता है। और इनके अलावा अगर वैसे अभ्यर्थी जो जनरल लेवल के हैं तो वो लोग इसके लिए अगर बीएड नहीं है आपका तो आप अप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। और पीजी भी नहीं है और केवल बीएड, तो उस कंडीशन में भी आपको इश्यूज आ सकते हैं। तो आपको देख लेना है आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फुल होना चाहिए। तो ये आपको एक जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ये था। साथ ही साथ और भी बहुत महत्वपूर्ण जो डिटेल्स हैं मैं आपको अगले वीडियोस में बारी दर बारी आपको बताऊंगी। और साथ साथ जो वर्किंग हैं, क्योंकि कुछ वर्किंग लोगों के लिए भी वैकेंसीज आई हैं, तो उनके लिए जो क्या क्राइटेरिया होगा वो मैं आपको इसके अगले वीडियो में मैं डिटेल से बता दूंगी। इस वीडियो में मैं आपको एक एज के बारे में बता देती हूँ कि मिनिमम जो एज होगा वो 21 ईयर होगा और जो मैक्सिमम होगा वो 40 ईयर होगा अनरिजर्व के लिए। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करेंगे पुरुषों के बारे में तो 42 ईयर्स होगा। महिलाओं के लिए जो अनरिजर्व हैं या फिर पिछड़ा वर्ग हैं या फिर पिछड़ा वर्ग अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं तो ये 43 ईयर्स होगा। अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 45 ईयर्स है और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 45 ईयर्स है। ये एक हो गया। आगे कुछ महत्वपूर्ण और भी सूचनाएं हैं जिसको हम लोग बारी दर बारी समझेंगे और जो रिजर्वेशन वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अलग से जो महत्वपूर्ण सूचनाएं दे दी गई हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन अप्लाई कैसे होगा इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको बैंक पर मेंशन किया हुआ है। तो 63 पेज का जो आपको डिटेल दिया हुआ है वो आपको थोड़ा सा समझना होगा पढ़ना होगा। अब आइए जानते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये आपको ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन का जो तरीका है वो क्या होगा। परीक्षा का जो स्वरूप होगा ये सिंगल एग्जामिनेशन होगा। मुख्य परीक्षा जो होगा ये आपको बस सिंगल एक चरण में लिया जाएगा। बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। और जो पेपर्स होंगे पत्र एक में एक प्रश्न का पूर्ण अंक एक रहेगा जबकि पेपर टू में एक प्रश्न का पूर्णांक जो होगा वो दो होगा। अब ये पेपर वन और पेपर टू क्या है ये आपको मैं बता रही हूँ। पेपर वन जो होगा ये जनरल नॉलेज और हिंदी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का होगा, समझ रहे हैं, मतलब 100 क्वेश्चन है, 100 अंक का आपको 100 क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। पेपर टू जो है आपको 2 अंक का है, तो समझ जाइए अगर वो मतलब एक प्रश्न का जो वेटेज है वो 2 अंक है और टोटल मार्क्स कितना हो जा रहा है 300, दैट मीन्स कि कितने प्रश्न हो जाएंगे
150 हो जाएंगे। तो ये आपको एक चीज समझ लेना है। अब सामान्य ज्ञान और हिंदी का जो सिलेबस है इन्होंने देख के रखा है। सामान्य ज्ञान में आपको वो सभी चीजें आ जाती हैं जो कि जनरल स्टडी में आप पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट साइंस, इकोनॉमिक्स, नेशनल मूवमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, पंचायती राज हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पंचवर्षीय योजना, ये सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ सब कुछ क्लियर मिलेगा। इसके अलावा जनरल साइंस भी आपको पढ़ना है, जनरल मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, जनरल मेंटल एबिलिटी से भी प्रश्न आएंगे, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपको जानकारी होना चाहिए, और साथ ही साथ जो झारखंड का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, साहित्य, इसके अलावा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व जो के विषय होते हैं झारखंड में, उन सभी का ज्ञान आपको होना चाहिए। हिंदी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। ये हो गया आपको टोटल पेपर वन। हिंदी भाषा में आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक। पेपर टू जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, मतलब आपको आप जिस सब्जेक्ट के लिए आपकी नियुक्ति होनी है उसी विषय का आपका परीक्षा लिया जाएगा। इसके लिए अनेक्सर 13 में आपको डिटेल्स में दे करके रखा गया है। अनेक्सर 13 आप देखेंगे तो आपके आगे के पन्नों पे आपको अनेक्सर 13 जो है आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिखेगा। आपको मैं अनेक्सर 13 की ओर को दिखा दे रही हूँ। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं, लाइक जो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, बाकी अदर सभी सब्जेक्ट के बारे में बारीक दर बारीक कोशिश करूंगी बताने की। यहाँ से आपका जो अनेक्सर 13 स्टार्ट होता है, जो मुख्य परिचय के लिए जो आप पेपर टू ऑप्ट करेंगे उसका सिलेबस दे के रखा गया है। याद रखिएगा आप उसी सब्जेक्ट को चूज करिएगा जिसका आपके लिए आपका अपॉइंटमेंट होना है, जिसमें आपका पीजी है। तो इनमें से आपका जो भी सिलेबस होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आप चाहें तो आराम से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बता रही हूँ। अगले वीडियो में मैं फर्दर और महत्वपूर्ण सूचनाओं को अपडेट करूंगी ताकि आपको डिटेल्स में आपको इसके बारे में जानकारी मिलती रहे। फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी महत्वपूर्ण वैकेंसीज के बारे में या फिर आपको एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के द्वारा समय दर समय प्रोवाइड किया जाता है। क्लासेस के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन आपको दिए जाते रहे हैं। हमारे संस्था का जो क्लास है आपको रांची में भी प्रोवाइड किया जाता है और ऐसे ऑनलाइन क्लासेस भी किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर महत्वपूर्ण सूचनाओं को जल्दी अपडेट करती हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं जिससे आपको बाकी महत्वपूर्ण सूचनाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे संस्थान आपको रांची में ही अवेलेबल है, आपको जो क्लासेस होंगे इसके भी रांची में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।